हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह कारमन लाइन आप लोग न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप ने पढ़ा हो कि के बीच में एक स्पेस रेस चल रही है पहले जो स्पेस रेस हुई थी वो कोल्ड वॉर का प्रोडक्ट था जिसमें रशिया और मतलब उसकी जो पेरेंट जो कंट्री थी यूएसएसआर तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और उसका एक बेनिफिट ये रहा था कि स्पेस वॉर चली थी तो अब लेकिन बेलिनियर्स के बीच में अब ये रेस चल रही है क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर हम विटनेस कर रहे हैं क्योंकि स्पेस सेक्टर इज नो लॉन्गर द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज नाउ इवन प्राइवेट प्लेयर्स आर एंटरिंग तो एमेजोन हो गया आपका टेस्ला हो गया वर्जन अटलांटिक या फिर उनकी जो एजेंसी है वर्जन गैलेक्टिक तो ये सब ने एंटर करा है स्पेस में तो स्पेस वॉश चल रही है तो इसी कंटेक्स में हम कार्बन लाइन को भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है स्पेस टूरिज्म से लिंक है सो लेट्स डिस्कस वाई आर वी फर्स्ट डिस्कसिंग दिस

एज ऑफ द स्पेस सो गिविंग स्पेस टूरिज्म एन ऑफिशियल स्टार्ट तो स्पेस टूरिज्म कहा जाता है कि एज ऑफ द स्पेस बिल्कुल सब ऑर्बिटल जो उनकी फ्लाइट हुई थी तो उसने स्पेस टूरिज्म को ऑफिशियली किट कर दिया गया है अभी कुछ दिनों में आने वाले दिनों में अभी जेफ पेजॉस है वो भी स्पेस पे जाएंगे तो लेकिन ये डिबेट चल रहा है कि आउटर स्पेस एक्चुअली कहां से स्टार्ट हो रहा है अगर सब ऑर्बिटल फ्लाइट के बारे में अगर हम बात कहते हैं सो वेयर इज द लिमिट एक्चुअली यही इस पे डिबेट चल रहा है कि क्या रिचर्ड ब्रांसन सच में स्पेस में गए थे या फिर वो सिर्फ कुछ लोअर लेवल पे ही गए थे जो ऑफिशियल लाइन है उसको क्रॉस करा था नहीं करा था तो इसके ऊपर भी डिबेट चल रहा था सो विद दिस लेट्स डिस्कस लाइन तो यही कहा जाता है कि स्पेस कहां से शुरू होता है कहां से स्टार्ट होती है उसकी क्या ऑफिशियल उसकी डिमार्केशन है तो उसके कंटेक्स में हम डिस्कस करते हैं सो लेट्स डिस्कस पहले एक बार अर्थ का जो एटमोसफेयर उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सो हेर

कौन से आपका जो रीजन है एटमोसफेयर का उसमें लोकेटेड है वेदर so so उस पर पूछा जा सकता है सो द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाउंड्री ऑफ स्पेस इज नोन एज द कार्बन लाइन जो जनरली कहा जाता है इट इज हंड्रेड किलोमीटर अबव मीन सी लेवल बट यूएसए यूज एट्टी किलोमीटर एज द कट ऑफ पॉइंट तो इसके ऊपर भी डिबेट चलता रहता है कुछ कहते हैं कि 80 किलोमीटर होना चाहिए कुछ कहते हैं 86 किलोमीटर होना चाहिए कोई कहता है 100 किलोमीटर होना चाहिए कोई कहता है 108 या 120 होना चाहिए तो ये डेफिनेशन पे भी थोड़ा डिबेट चलता रहता है बट नॉर्मली 80 टू 100 किलोमीटर के अराउंड इस पर डिबेट चलता है तो यूएसए कहते हैं एट्टी किलोमीटर नॉर्मली वैसे हंड्रेड किलोमीटर माना जाता है सो रिचर्ड ब्रांसन वर्जन गैलेक्टिक फ्लाइट रीच ड हाइट ऑफ एट्टी किलोमीटर वाई जेफ बेजोस ऑफ एमेजॉन जिनकी जो कंपनी है ब्लू ऑरिजन स फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू गो तो अबाउट वन हंड्रेड सिक्स किलोमीटर में तो यही कहा जा रहा है कि क्या सच में कार्बन लाइन को उन्होंने रिचर्ड ब्रांसन की जो फ्लाइट थी उन्होंने क्रॉस करा था नहीं करा था बट यही चीज है कि कार्बन लाइन के ऊपर भी डिबेट चल रही है कि 80 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर है अगर यूएस की डेफिनेशन माने तो हम कहेंगे कि येस उन्होंने क्रॉस करा था पर अगर नॉर्मली जो बाकी सारे आपके जो साइंटिस्ट है एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए जा तो नहीं क्रॉस करा तो 100 किलोमीटर है जेफ फॉर श्योर 100 किलोमीटर क्रॉस करेंगे ये माना जा रहा है तो इसी कंटेक्स में ये चल रहा है सो कार्बन लाइन हैज बीन टू इंटरनेशनल वाटर एज आर नो नेशनल बाउंड्रीज एंड ह्यूमन लॉस इन फोर्स बियॉन्ड द लाइन तो जैसे इंटरनेशनल वाटर्स में कहते हैं ना कि वहां पे किसी कंट्री की डोमेन नहीं है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह वो सब है तो इंटरनेशनल वाटर सबके लिए ओपन होते हैं सिमिलरली ये कहा जाता है कि वो पार्ट ऑफ एटमोसफेयर वो पार्ट ऑफ स्पेस जो कार्बन नाइन के बियॉन्ड है तो वो सबके लिए ओपन है तो में कहा था इस लाइन के बारे में, के बारे में करा था कि एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसके बियॉन्ड सबके लिए ओपन होना चाहिए सो दिस लाइन लाइज विद इन द लोअर थर्मोस्फेर ये मैंने आपको बताया था एंड वाई डू वी नीड अ कार्मन लाइन The 1967 Outer Space Treaty says that space should be accessible to all countries and can be freely and scientifically investigated. तो ये इन्होंने करा हुआ है जैसे आपके पोलर एरियाज के बारे में भी हम बात करते हैं कि वो सबके लिए ओपन उन्होंने रखा हुआ है सिमिलरली स्पेस के बारे में भी कहते हैं कि सबके लिए ओपन होना चाहिए तो defining a legal boundary on what and where the space is can help avoid disputes and keep track of space activities and human space travel. तो फर्दर डिस्प्यूट में अभी तो वैसे भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर हम विटनेस करने वाले हैं उसके बारे में भी हम एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे स्पेस टूरिज्म के बारे में भी तो आगे जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स अगर होंगे अगर इन केस अगर होता है कि भाई इस लाइन को क्रॉस कर करने तो लगेगा कि यार ये मेरा एरिया है जो स्पेस का है यहां पे सिर्फ मैं ही रोम अराउंड कर सकता हूँ फ्यूचर में ये सब भी डिस्प्यूट्स आएंगे तो वो सारे ऐसे डिस्प्यूट्स ना हो तो यही कहा जाता है कि इस लाइन के बियॉन्ड सबके लिए ओपन है तो कोई भी उसे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकता है वहां पर ट्रैवल कर सकता है सो दैट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ कार्बन लाइन तो हमने कार्बन लाइन के बारे में पढ़ लिया कि किसके नाम पे रखा गया है एंड कहाटेड है एंड एटमोस्फेयर जो मैंने आपको बताया थायर का स्ट्रक्चर का है जिसको पांच पार्ट में डिवाइड करा जाता है ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोस्फेयर मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर तो ट्रोपोस्फेयर तो आपका सबसे लोएस्ट पार्ट है फिर आप देखेंगे कियर है यह आपकी स्ट्राटोस्फेर में लोकेटेड है आपने एनसीआर में भी पढ़ा होगा तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन में, में, में. लेर आ जाता है तो लोअर थर्मोस्फेयर the का रीजन है उसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं तो यहाँ पे मैंशन नहीं है बट अगर आप अपनी एनसीआरटीज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो लोअर थर्मोस्फेयर है उसमें आइनोस्फेर लोकेटेड है एंड फिर आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं इन सारे एक बार लेयर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं सो so, सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर जैसा प्रोपोस्फेयर बताया था पहले तो यही किफेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट डेंसिटी एंड डेंसिटी इज हाइएस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कॉलम एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इन फाइव लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन करा जाता है

ग्रेटर हाइट्सनल करंट्स तो ये इसका रीजन है कि इक्वेटर पे ज्यादा हाइट क्यों है और पोल्स पे क्यों कम है तो जो आपकी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर है एंड ऑल द चेंट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिसर देश लेक्रीजेज एट द रेट ऑफ वन डिग्री फॉर एवरी वन सिक्सटी फाइव मीटर ऑफ हाइट तो ये आपका इसी तरीके से टेम्परेचर आपका डिक्लाइन करता है और फिर आ जाता है आपको उसका ट्रोपोपॉज देन द जोन सेपरेटिंग द द्रोपोस्फेयर फ्रॉम द दर इज नोन एज ट्रोपोपॉज तो पॉज यहां पे आपका जो मतलब है ट्रोपो tro तो आपका से हो गया लेकिन पॉज तो पॉज इस वजह से बिकॉज द टेम्परेचर हेयर इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट माइनस एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट माइनस फोर्टी फाइव डिग्री ओवर द पोल्स तो ये आपका ट्रोपोपोज हो गया फिर आ जाता आपका सो स्ट्रेटोफेयर इज फाउंड अब ट्रोपोपोज इन एक्सटेंड तो आपका जो तेरा किलोमीटर की जो एवरेज हाइट है उसके बाद ट्रोपोपॉज आता है और उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है द की इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस रीजन इज दैट ओजोन लेयर आपकी यहां पे लोकेटेड है दिस लेयर एब्जॉर्ब्स एंड दिसन लेयर एब्सॉर्ब ऑल द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील लाइफ ऑन द अर्थ फ्राम द इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आपको पता ही होगा जब हम ओजोन होल के बारे में भी बात करते हैं एनवायरमेंट के कंटेक्स में कि ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हार्मफुल आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसे प्रोडक्ट करती है अगर ओजोन नहीं लेगी तो यूवी रेज आपकी आएंगी एंड हमें हार्म करेंगी तो ये आपकी स्टार्टोस्फेयर में आपका लोकेटेड होता है फिर आता है मीजोस्फेयर द मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्टार्टोस्फेयर आपकी थर्ड लेयर है

तो ये आपका हो गया मीजोस्फेर फॉलोड बाई मीजो फिर हम आते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में सो इट इज द सेकेंड हाइएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर पहले तो ये इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि कार्बन लाइन इसी में लोकेटेड है क्योंकि 80 किलोमीटर के बियॉन्ड आपका स्टार्ट होता है तो अगर कार्बन लाइन की हाइट एट्टी सिक्स किलोमीटर की अगर मानी जाती है या फिर अगर 100 भी मानी जाती है तो 80 से लेकर अराउंड 500 टू 1000 किलोमीटर जो आपका है वो थर्मोस्फेर की रेंज है आपकी तो कोई भी अपर लिमिट की रेंज हो यानी कि उसके अंदर तो कार्बन लाइन आता ही है हाइट ऑफ द पॉज वेरी कंसिडरबली ड्यू टू चेंजेस इन सोलर एक्टिविटी तो हमने आपके ट्रोपोस्फेयर के बारे में भी देखा था कि उसकी हाइट भी वेरी करती थी आपकी 8 किलोमीटर उसकी पोल पे थी और 18 किलोमीटर आपकी पे थी तो एवरेज थर्टीन किलोमीटर थी तो यहां द लोअर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट है, the तो है कार्बन लाइन भी होती है आइनोस्फेयर कार्बन लाइन तो चलो एक लाइन है थियोर लाइन मानी जाती है कि भाई वहां से आपका स्पेस शुरू होता है या फिर सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए परमोस्फेयर का जो तो लोअर रीजन है वो आपका आइनोस्फेयर होता है

Absorb कर लेता है उसको करता है and वो आपका layer, आपका ओजोन लेयर में located है पर रेडियो की अगर हम बारे में बात ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय लेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट तो ये भी आपका टेम्परेचर के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहां पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होना रहा है हाइट से जैसे आपकी हाइट बढ़ती रहती है तो ये आपका एनोस्फेयर हो गया एंड मैंने आपको बताया था कि आइनोस्फेयर आपका थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है फिर आता है आपका एक्सोस्फेयर दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अब इज द लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट कंटेंट्स आर देयर आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन द लेयर एंड इट ग्रेजली मर्जेस स्पेस तो ये हमने एटमोस्फेयर की आपके लेयर्स के बारे में भी बात कर ली एटमोस्फेयर के पांच कॉलम्स हैं जो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वहां पे उसके बारे में हमने बात कर ली है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर सो फ्रेंड्स विद दिस आई आई होप यू लाइक दिस आपको ये लेक्चर पसंद आया हो अगर आपको लेक्चर पसंद आया देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ एस एंड फ्रेंड्स वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर एंडिंग द लेक्चर एंड दिस इज दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रेश फाउंडेशन बैच फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई एंड दैट विल बी कवरिंग जनरल स्टडीज एस सी एज वेल एज सी सैट जो आपका फाउंडेशन बैच है इसमें आठ सौ घंटे की क्लासेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी टारगेटिंग प्रेम्स एज वेल एज मेन्स एंड आउट ऑफ दिस एट्टी आवर्स ऑफ करंट अफेयर्स क्लासेस में से अस्सी घंटे आपके करंट अफेयर की क्लासेस के आपके डेडिकेट करे जाएंगे करंट अफेयर की बहुत वेटेज होती है तो वो प्रोवाइड करा जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आर ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटिकल साइंस एंड आई आर सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रेंड्स वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब टेलीग्राम So do subscribe to the AQ Bias channel on all these social media platforms. So again, I would say I hope you liked the lecture. If you like it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias at all these uh, social media channels. This is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.